मैं नई भूमि में रहता हूँ, वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैंने टाइम लिया और वहाँ पे जाके मैंने आज कंप्लेंट की है। देखिए अभी भी मैं फोन इसलिए बंद रखा हूँ कि हर दो मिनट मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब मेरी जान सुरक्षित रहेगी तब मैं मेरे क्लाइंट का केस लड़ सकता हूँ। इसके लिए पहले मैं ये कंप्लेंट किया और इसके लिए वहाँ जाने में विलम्ब हो गया। मैंने एसीपी महोदया से मेल करके रिक्वेस्ट किया है कि आज के बजाय कल सुबह 11 बजे हम अपना क्लाइंट का स्टेटमेंट देने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर तीन लोग सामने आए हैं जिन्होंने आपकी जो मुक्किल हैं उन पे इल्जाम लगाए हैं कि उनके साथ भी उन्होंने हनी ट्रैप करने की कोशिश की थी, कृष्णा हेगड़े, मनीष धुरी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने ये जो आए हैं ये सरासर गलत हैं और उसका जवाब एक्चुअली देने के लिए आज मेरी क्लाइंट यहाँ पे उपस्थित होने वाली थी, लेकिन कुछ लीगल ड्राफ्टिंग के कारण वो टाउन में फंस गई हैं और उसका उपयुक्त जवाब कल आपको 11 बजे जब वो एसीबी ऑफिस जाएंगे दी जाएंगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे आरोप गलत और निराधार हैं। वो आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने जो केस किया है उस केस में उनकी छवि खराब किया जाए और कि उस केस से उनका ध्यान भटकाया जाए, इसी के मद्देनजर केस किया गया है। और उसका चूंकि वो पर्सनल वो उनका इश्यू है तो उसका जवाब कल आपके सामने वो जरूर देंगे। सर रिजवान शेख नाम के व्यक्ति पे कुछ महीनों पहले एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कंप्लेनर आपकी मुवक्किल थी और वो एफआईआर भी हनी ट्रैप या इसी को लेकर दर्ज हुई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके पहले मैं और क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो आरोप मैं पढ़ा उसमें लिखा गया है कि हमसे कांटेक्ट करके हमको हनी ट्रैप करने वाली थी, ना तो कोई हनी ट्रैप हुआ है। अगर उनका एलिगेशन एज इट इज मान ले तो भी गलत है, लेकिन ये पूरी की पूरी गलत आरोप है। रह गया जो अभी आपने रिजवान के बारे में पूछा, उसके बारे में जब मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा तो मेरे क्लाइंट ने बताया कि उनको स्टॉकिंग करता था, इसके लिए उन्होंने एफआईआर लाज किया। और जब एफआईआर लाज हुआ तो रिजवान नाम का व्यक्ति बेरोजगार अनएम्प्लॉयड था। जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उससे एक्सटॉर्शन कोई कैसे कर सकता है जो जिसकी खुद की नौकरी नहीं है? तो इससे साबित होता है कि ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमेज खराब करने के लिए और मूल केस से ध्यान को भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। सर आप पे भी आरोप लगाया गया है, सर आप पे भी एक आरोप लगाया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी एक नहीं, हो सकता और आरोप लगाया जाए। इसी केस की तरह मैंने सन 2018 में किसी लीडर ने किसी आम व्यक्ति का फ्लैट हड़प लिया था, उसका केस देख रहा था। और जैसे मुझको अभी धमकी मिल रही है उससे उस समय भी धमकी मिल रही थी कि उस केस से हट जाओ। और उस जब हमारे उस क्लाइंट के ऊपर भी पहले मोलेस्टेशन लगाया गया, फिर एट्रोसिटीज लगाया गया, फिर पोस्को लगाया गया। उस केस में जब उसका मैं एंटीसिपेटरी केस फाइल किया तो मुझे धमकी आई कि आप हट जाओ, जब मैं नहीं हटा तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगा करके केस किया गया और केस वो निराधार है और उसका डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला गया है। सर लेकिन इतने लोग जो सामने आ रहे हैं निकल के, इनके खिलाफ इससे पहले आपके मुवक्किल ने शिकायत क्यों नहीं की? मेरे क्लाइंट को जब कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस हुआ है तो कैसे? मेरी क्लाइंट का वो नेचर नहीं है कि किसी के खिलाफ जाकर के जबरदस्ती केस करे। अब जब अभी भी जो ये केस आए हुए हैं अभी तक सिर्फ मीडिया के माध्यम से आए हुए हैं, जिस दिन उसका हमको लीगल नोटिस आएगी या पुलिस से कोई सम्मन आएगा उसका सूटेबल लीगल एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जवाब मेरी क्लाइंट के पर्सनल और उन लोगों के बीच का है तो उसका जवाब वो जरूर देगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे बोलने के लिए बोला है कि ये आरोप सरासर गलत और निराधार है। सर एविडेंस के नाम पर आपके पास क्या क्या है और क्या कुछ आपने पुलिस स्टेशन में बताया है? जो एविडेंस है, चूंकि अभी हमारा एफआईआर लाज नहीं हुआ है वो पूरा मेरा केस डैमेज कर देगा, इसके लिए एविडेंस हम मीडिया में बजाने के बजाय पुलिस को और कोर्ट को बताएंगे। धनंजय मुंडे ने साफ किया है कि इनकी बड़ी बहन के साथ उनका संबंध था बहुत पहले से, उनसे दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों को अपने घर पर रखा है, उनको अपना नाम भी दिया है, मुंबई में उनको फ्लैट भी दिया, सब कुछ दिया। तो 2019 से अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाना शुरू किया और उनको बदनाम करने के लिए ब्लैकमेलिंग करने के लिए छोटी बहन को आगे किया। सबसे पहले तो माननीय धनंजय मुंडे जी का जो उनकी पत्नी से केस है वो अलग है और हमारा केस उससे टोटल अलग है, उस केस का इस केस से कोई रेलिवेंसी नहीं है। इसके लिए उनका और उनकी पत्नी से जो आप उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उन लोगों से पूछेंगे तो आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। दोनों सगी बहने हैं। दोनों सगी बहने होने का मतलब नहीं होता कि एक बहन अगर आपकी बीवी है तो उसकी दूसरी बहन को आपको रेप करने का राइट मिलता है। 2006 में उन्होंने कहा था कि 2006 से वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे, तो वो वही वहाँ पे वो साल के क्यों नहीं किया, अभी 2020 में और 21 में क्यों बाहर है?
हमारी क्लाइंट के कंप्लेंट में क्लियर लिखा गया है कि उसको उसका कैरियर सेटअप करने के नाम पे और उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, उसका वीडियो निकाला गया और वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसी दबाव के कारण वो केस नहीं कर रही थी, डर रही थी, लेकिन जब अब उसकी जिंदगी उसको ऐसा लगा कि बर्बाद हो जाएगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसके सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तब वो पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए आई है। सर अब आपका अगला कदम क्या होगा? पुलिस ने कुछ जवाब दिया है? कब तक एफआईआर लेगी, कब तक ये जांच करेगी? कल हमारे क्लाइंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और कल हमको फिर बताया गया है कि उसका जो बचा हुआ पोर्शन है कल वो कंप्लीट कर लेंगे और मुझसे बताया गया है कि एफआईआर लॉज करेंगे। अगर कल हमारा एफआईआर वहाँ पुलिस स्टेशन में लॉज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जो उसका जो भी लीगल स्टेप्स प्रॉपर रहेगा कोर्ट में जाकर के वहां से आर्डर लेकर के और फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉज करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कल रात को उन्होंने ट्वीट किया है कि कृष्णा हेगड़े जी को वो प्रताप सरनाइक, जो शिवसेना के आमदार है प्रताप सरनाइक, उनके बर्थडे पार्टी में मिले थे, तो अभी उनका क्या कनेक्शन है? मैं फिर से आप बोला कि चूंकि ये हमारी क्लाइंट का और उन लोगों का इंडिविजुअल इश्यू है और उसके बारे में अभी प्रॉपर ब्रीफिंग हमको नहीं मिली है, कल आपके सामने हमारी क्लाइंट उपस्थित होकर के इन सारे मुद्दों का जवाब देगी। सिर्फ मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये जो तीनों आरोप लगाए गए हैं ये गलत और निराधार हैं, हमारी क्लाइंट की छवि खराब करने के लिए और इस मूल केस से उसको डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। धनंजय मुंडे भी वही बोल रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए निराधार है, उनकी छवि खराब करने के लिए। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार उनकी है और अगर पुलिस प्रशासन इस मामले का केस लेगा अगर तो उसका जांच हो जाएगा और जांच के बाद कोर्ट जो है सुटेबल आर्डर उस पर देगा। सर आपने कहा आपको धमकी आ रही है, कौन दे रहा है धमकी और क्या कहा जा रहा है आपको इन धमकियों में? उन धमकियों में हमको ये धमकी दी जा रही है कि आप इसको इस केस को छोड़ दीजिए और उनके खिलाफ केस मत करिए। बहुत सारे लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मेरा इस मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी से और उनके समर्थकों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं अगर इस केस का वकील नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा रहेगा, कोई तीसरा रहेगा, तो वकील का उसमें गलती नहीं है। मतलब वकील को डरा करके उसको हटाने से बढ़िया है कि कानून के सामने जाए और अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष सही है तो कानून में उनको जरूर न्याय मिलेगा और हमको कानून में अपनी कानून के सामने जाकर के कंप्लेंट करने का अधिकार सब व्यक्ति को। आप अपने लिए या रेप पीड़िता के लिए सुरक्षा मांग करेंगे? रेप पीड़िता के लिए तो अभी तक, चूंकि रेप पीड़िता ने अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे जो कल रात से और अभी तक धमकी मिली मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर नई मुंबई, पुलिस कमिश्नर मुंबई और माननीय गृहमंत्री जी को लेटर लिखकर के रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और हमारी जान माल के लिए हमको एक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि बहुत सीरियस थ्रेट थी, कुछ सीरियस थ्रेट्स को मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया लेकिन इतने फोन आ रहे हैं सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। लगभग अभी रास्ते में आते आते भी लगातार अननोन मैसेज आ रहे हैं लेकिन अभी मैं रिसीव नहीं कर रहा हूं, उनको ब्लॉक कर दे रहा हूं। कल जब एसीपी ऑफिस में 11 बजे के आसपास आएंगी तो वहाँ पे आप लोगों का जो जवाब रहेगा मैडम वहाँ पे आपको जवाब देंगी। कल शाम से कृपाण जी ऐसा माहौल बन गया था कि काफी गंभीर मसला है, शरद पवार जी ने कहा था शायद इसकी वजह से धनंजय मुंडे को इस्तीफा भी देने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन जिस तरह से कृष्णा हेगड़े हो, मनीष धुरी हो या फिर रिजवान हो, सामने आने तक का मामला सामने, कहीं ना कहीं इस मैटर में अभी आपकी बाजू जो है कमजोर होती दिखाई नहीं दी आपको? जब भी किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ केस किया जाता है तो हमेशा उस केस को लाज होने में समय लगता है। ये आप मीडिया से रिलेटेड है, आपको मालूम है। कल वहां पे लगभग 4.5 घंटा बैठा करके भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, इससे साबित होता है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। लेकिन हमारी क्लाइंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके पास जो एविडेंस है हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है। मीडिया में क्या खबर आ रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और हम न्याय की गुहार करेंगे। धनंजय मुंडे ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला था, वो इंजेक्शन उन्होंने लाया हुआ है। इंजेक्शन ऑर्डर में दो बातें थी, एक तो इसको सार्वजनिक नहीं करना है और दूसरा दोनों के वकीलों में समझौते की बात हो रही थी। मैं आपसे फिर बताना चाह रहा हूं कि ना तो उस केस में मेरी क्लाइंट पार्टी है ना तो उस केस में मैं वकील हूं, इसलिए उस केस में क्या ऑर्डर हुआ है, क्या समझौता हुआ, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मराठी
सर आज तुम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड नाही करता आले काय नेमकं झालं सॉरी हे विचारलं ते कुठल्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड नाही करता काल रात्रीपासून मला लगातार लोकांचे अननोन अज्ञात लोकांचे फोन येऊन मला जान मारायची धमकी येत आहेत त्यामुळे मी आज सकाळी 10 वाजता नवी मुंबई पोलीस कमिशनर ऑफिसकडे फोन करून अप्रोच केला आणि माझ्या कंप्लेंट करायसाठी तिथे गेलो त्यामुळे आज आणि मी माझ्या क्लायंट तिथे जाऊ शकलो नाही त्यामुळे मी एसीपी ऑफिसला मेल करून रिक्वेस्ट केला आहे की उद्या सकाळी 11 वाजता मी येऊन तिथे स्टेटमेंट देऊन आणि माझी क्लायंट कारवाई करायला तयार आहेत तर त्यासाठी आज तिथे मी उभे राहू शकला नाही. रेणू शर्मा यांच्यावर अनेक व्यक्तींनी देखील आरोप केलेले आहेत. त्यांनी हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला, जाळ उडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी तशा तक्रार देखील पोलिसांकडे नोंदवल्या. याबद्दल तुमच्या अशिलाची काय भूमिका? याबद्दल चुकी हे प्युरली जे माझ्या असीलचे पर्सनल आणि त्याच्या जे हनी ट्रॅपचे जे आरोप लावत आहेत खोटा त्यांच्या पर्सनल इश्यू आहेत त्यामध्ये जास्त चर्चा माझ्या क्लायंट झाली नाही आहेत. ते आज इथे येणार होती आणि त्याचा जबाब स्वतः देणार होती पण अनफॉर्च्युनेटली ते येऊ शकलो नाहीत. ते मला सांगितलं की त्याच्यावर हे जे आरोप लावला आहे 2-3 लोकांना फक्त मोटिवेटेड ऍक्शन आहेत. मोटिवेटेड ऍक्शन कसा आहेत की त्यांच्यावर खोटा आरोप करून त्यांच्या इमेज टर्नेज करायची आहे आणि जे त्यांच्या FIR लाज करायचे आहेत आणि जे ऍक्शन लिहायचे आहेत त्यांच्यावर डायव्हर्ट करायसाठी हे सगळे FIR हे सगळे एलिगेशन लावला गेला आहेत आणि ते सरासर खोटा आहेत. पण त्याचा सविस्तर रिप्लाय माझ्या क्लायंट उद्या तुमच्या समोर देणार आहे. रेणू शर्मा यांच्याबद्दल झालेली घटना तसं वर्ष आधीच आहे पण मग तक्रार दाखल करायला वेळ करायला त्यांना आत्ता आपण पोलीसच्या समोर गेले आणि 4-5 दिवस झाला आहेत आणि काय स्थिती आहेत मीडियाच्या समोर आहेत. समोरचा व्यक्ती किती मोठा आणि किती पॉवरफुल आहेत आणि ते त्याच्या कॅरियर सेट करायचे त्याच्या लग्न करायचे आणि त्यांच्या जे मला इन्स्ट्रक्शन दिले आहेत की त्यांच्या काहीतरी व्हिडिओ वगैरे पर्सनल बनवून आले तर त्याच्या थ्रेड द्यायचे त्यामुळे हे सगळे भीतीमुळे ते आतापर्यंत कंप्लेंट केली नाही. पण आता जर त्याला असा वाटला की त्याला काय नाही होणार त्यासाठी ते आता पोलिसांच्या समोर आली आणि कंप्लेंट केली. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.